हेलो, चलिए। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सभी लोग? क्लास हमारी लाइव हो चुकी है, ठीक है। चलिए, गुड इवनिंग निशांक, चेतन, बाकी के सारे लोग जल्दी आइए भाई, फटाफट से आइए। क्लास आप लोगों की स्टार्ट हो गई है। कैसे आप लोग? गुड इवनिंग आदिल, चेतन, नेहा, अरुण, निशांक, सबको गुड इवनिंग। बाकी के लोग जल्दी से ज्वाइन करिए, क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है और काफ़ी कम स्ट्रेंथ है आज। गुड इवनिंग रितु, गुड इवनिंग। 5 मिनट हम वेट करते हैं, बाकी के लोग जल्दी से जुड़ जाएं। जितने लोग जुड़ गए हैं आप लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए। गुड इवनिंग प्राची, गुड इवनिंग। समय पर आ जाया करिए भाई, आप लोग बड़ी लेट आते हैं। गुड इवनिंग नेहा, गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ना शुरू करिए। गुड इवनिंग अनुष्का, सृष्टि, प्रिया, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आइए भाई फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी आ जाइए, शाम का समय है, मौसम आज तो बहुत ठीक है। गुड इवनिंग सृष्टि, सोनल, गुड इवनिंग। चलिए जल्दी जल्दी आइए सारे लोग, और जो लोग आते जाएं अपना साथ साथ सेशन जो है उसको लाइक करते जाइए, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करते जाइए, जिससे वो लोग भी जुड़ते जाएँ, ठीक है। ये काम तो आप लोगों को कर ही देना है, आकर के सेशन को लाइक करना है और शेयर भी करना है, ठीक। चलिए हम देर नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे अपना करंट अफेयर क्वेश्चन शो। एंड आज भी कुछ अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए करंट अफेयर्स से रिलेटेड मैं लेकर के आई हूँ। स्टार्ट करें उससे पहले थोड़ा सा मेरे बारे में जान लीजिए। आई एम सीमा एंड आई एम दी फैकल्टी एट सिविल अकेडमी। बेसिकली मेरे पास 4+ ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है, एंड सब्जेक्ट्स जिन पर मैं यहाँ पर जानी जाती हूँ, इट इज़ ज्योग्राफी, करेंट अफेयर्स शो आप देख रहे हैं, एंड दी जनरल साइंस। आप लोगों के लिए ज़रूरी है नेक्स्ट वाली स्लाइड, और जैसा कि जिन्होंने अगर पहले ज्वाइन कर भी लिया होगा, पहली बात हमारा टेलीग्राम ग्रुप, तो आप लोगों को, हाँ, चाय पकौड़े वाला मौसम है प्रिया, बिल्कुल, लेकिन आप लोग तो घर में उसका मज़ा ले सकते हैं, मैं यहाँ पर नहीं ले सकती हूँ, है ना, तो मेरे लिए अभी नहीं है। आप लोग लेकिन चाय पकौड़ों का बिल्कुल मज़ा लीजिए, लेकिन आंसर सही सही करते जाना बस करंट अफेयर्स की क्लास में। चाय पकौड़े पी करके और खा करके थोड़ी एनर्जी भी आनी चाहिए, ठीक। चलो, सिविल अकेडमी का जो आपका टेलीग्राम चैनल है, सिविल अकेडमी IAS, इसको आपको ज़रूर से ज्वाइन करना है, बिकॉज आप देख भी रहे होंगे जो पहले से ज्वाइंट हैं, इस पर मैं क्वेश्चंस आपके डाले जा रहे हैं और PDF नोट्स आपको यहीं पर मिल रहे हैं। उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने से क्या होता है, बेसिकली आपके एक बार रिवीजन हो जाता है स्टैटिक पोर्शन का। फेसबुक पेज पर भी आप लोग डेली एक अपडेट, एक टैम्पलेट देखते होंगे जो आपके करंट रिलेटेड ही फैक्ट को कंप्लीट करता होता है, तो फेसबुक पेज भी आपको ज़रूर से ज्वाइन कर लेना है जो लोग भी फेसबुक पर हैं। और सिविल एकेडमी की वेबसाइट आपको डेली सर्च करनी है, यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में करंट अफेयर्स मिलता है, डेली आपको उसको नोट करते जाना है, ठीक है। नहीं नहीं सोनल, रहने दीजिए, आप मत लेके आइए, फिलहाल हम ना आंसर्स करते हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। आप ले भी आएंगे तो अभी मैं खा नहीं पाऊँगी, ठीक, कोई बात नहीं, क्लास के बाद हम बाद में खाएंगे, ठीक है। चलिए आते हैं, कुछ और इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं अगर आपने नहीं देखे हैं या आप नहीं फॉलो करते हैं, जैसे आज के मुख्य समाचार बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव है। ओजोन लेयर पर पूरा एक्सप्लेन्ड मैंने किया था कि हाउ ओजोन इज हार्मफुल है या नहीं है, कहाँ की ओजोन हार्मफुल है, कहाँ की नहीं है, है क्या, ये सारी चीज़ें इसको मैंने एक्सप्लेन किया है, आप ज़रूर देखिए अगर नहीं देखा है। और आजकल आप लोग शॉर्ट भी नहीं देख रहे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं वो जो शॉर्ट, आपका 1 मिनट में काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है जो उससे मिल जाती है। देन इंडियन पॉलिटी के MCQs सर कराते हैं, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एंड वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए प्रैक्टिस करने के लिए, जिनकी भी पॉलिटी पूरी हो गई है वो उनके लिए। देन 1 मिनट की करंट आपकी जो है ट्रिक ये देते हैं सत्येन सर मैथ्स के लिए। तो आप देख रहे हैं कि यूट्यूब पर हमारे जितने इनिशिएटिव आ रहे हैं, वी आर ट्राइंग कि आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबको हम यहाँ पर कवर कर सकें, जो क्लासरूम में नहीं हो पाते हैं और जो लोग एक्सेस नहीं कर सकते वो आराम से यहाँ पर कर पाएँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब स्टार्ट करेंगे हम अपनी क्लास, और आपके पास में आ गया है पहला क्वेश्चन,
एंड दैट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एशियन डेवलपमेंट बैंक. क्वेश्चंस का जो हमारा लेवल होगा वो यूपीएससी लेवल होगा. कुछ बीच बीच में आपको एक आध फैक्चुअल क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे. ठीक है, चलिए. वेरी गुड इवनिंग जितने भी लोग मेरे साथ अभी जुड़ चुके हैं सबको फाइनली एक बार गुड इवनिंग. ठीक, जो आते जाएंगे उनको एडवांस में गुड इवनिंग. अब आपको आंसर करना है क्वेश्चन नंबर वन का. गुड इवनिंग कीर्ति, गुड इवनिंग. चलिए, तो क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एशियन डेवलपमेंट बैंक. एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो फाइंड आउट करना है. ठीक बात है. चलिए, पहला स्टेटमेंट पढ़िए. इंडिया एडीबी साइन 96.3 बिलियन डॉलर लोन एग्रीमेंट टू इम्प्रूव वाटर सप्लाई इन हिमाचल प्रदेश. क्या भारत ने एडीबी के साथ में मिलकर के एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है जिससे कि हिमाचल प्रदेश में वाटर सप्लाई को इम्प्रूव किया जा सके? क्या ये बात सही है? दूसरा, एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है, दूसरी बात. तीसरा, एडीबी में टोटल 68 मेंबर्स हैं, ये बात भी सही है या गलत है? आपको बताना है सही क्या है. तीनों में से 1 and 3 सही है, 2 and 3 सही है, 2 only सही है, या सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं? जल्दी आंसर करेंगे फटाफट से क्वेश्चन नंबर वन का. सोच समझ के थोड़ा सा ध्यान से आंसर करिएगा कि क्या सही है इसमें. ठीक, चलो. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग गीता, गुड इवनिंग. चलिए, क्वेश्चन नंबर वन का आप ज़्यादातर लोग जो है वो बी कह रहे हैं, बी आंसर कह रहे हैं. ओके, बट इसका आंसर है डी. कैसे डी है इसका आंसर? इट वॉज इन न्यूज़. न्यूज़ क्यों में क्यों था? क्योंकि पहला ही जो स्टेटमेंट है इसी वजह से ये न्यूज़ में था. भारत ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ में मिल करके हाल ही में एक एग्रीमेंट साइन किया है. कितने अमाउंट का है दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, हमारे लिए वो ज़रूरी नहीं है. बट ज़रूरी ये है कि वाटर सप्लाई बेहतर होगी आपकी हिमाचल प्रदेश में इस एग्रीमेंट के थ्रू. एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है और इसमें टोटल 68 मेंबर कंट्रीज हैं. ठीक बात है. तो डी जिन्होंने भी आंसर दिया है बिल्कुल सही है. वेरी गुड. जिनका भी डी आंसर है, नेहा, चेतन, सृष्टि, आयना एंड राजू, सबका डी है तो बहुत अच्छी बात है. डी इज द करेक्ट आंसर. ठीक, चलिए. थोड़ा सा यहाँ से जिन लोगों को नहीं पता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, आपको उसको ध्यान रखना है. एक तो ये न्यूज़ में था क्योंकि इसने हिमाचल प्रदेश के अंदर वाटर सप्लाई के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है, और अभी आज या कल ये इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि इसने रिसेंटली एक रिपोर्ट आपकी पब्लिश की है, एक रिलीज की है. किसके साथ मिलकर के? इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर के साथ में मिलकर के. जो ये रिपोर्ट ये बता रही है, इसने कंसर्न रेज किया है रिगार्डिंग लॉन्ग साउथ वेस्ट मॉनसून कॉजिंग लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ मासेस इन साउथ एशिया. यानी एडीबी ने इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर के साथ में मिलकर के एक रिपोर्ट जारी की है. अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट कहती है कि जो साउथ वेस्ट मानसून बहुत लंबा चल रहा है, रिगार्डिंग लॉन्ग साउथ वेस्ट मानसून की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट है लार्ज स्केल पर साउथ एशिया के अंदर मासेस का हो रहा है. ठीक बात है. बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है. ये जल जीवन मिशन के अंतर्गत आएगा. बिल्कुल सही बात है. भारत सरकार का एक जल जीवन मिशन चल रहा है, उसको लेकर के ये आपका जो एग्रीमेंट है वो किया गया है. जिन लोगों को एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में नहीं मालूम है, ध्यान रखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक कब इस्टेब्लिश हुई? तो 1966 में. ओन्ड बाई 68 मेंबर्स, जिसमें से 49 मेंबर्स ऐसे हैं जो एशियन रीजन में आते हैं. यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, क्या एशियन डेवलपमेंट बैंक में सिर्फ एशिया के ही मेंबर्स हैं? नहीं, एशिया के साथ साथ दूसरे एरियाज, दूसरे कॉन्टिनेंट्स के भी मेंबर इसमें शामिल हैं. सिर्फ एशिया के मेंबर्स नहीं शामिल हैं. काम क्या करेगा? तो सिंपल जो बैंक का काम होता है कि लोन देना, सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस जो है एशिया और पैसिफिक रीजन की कंट्रीज़ का डेवलप करना, बनाना,
काम यही होगा सिंपलर सिंपल, लेकिन आपको इम्पॉर्टेंट बात यह याद रखनी है, सिर्फ एशियन डेवलपमेंट बैंक नाम है लेकिन सिर्फ एशिया के मेंबर्स नहीं है, मेंबर्स अदर आपकी कंट्रीज भी हैं जो पैसिफिक रीजन में पड़ती हैं, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें छोटे से और उसकी, तो इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस मनीला के अंदर, ठीक है। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर टू पर। क्वेश्चन नंबर टू, इस फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड इतनी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है, ठीक। भारत मेंबर है क्योंकि भारत ने अगर एग्रीमेंट साइन किया है डेफिनेटली भारत मेंबर होगा। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर टू पर, एंड क्वेश्चन नंबर टू आपसे पूछ रहा है नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के बारे में। अभी हाल ही में चर्चाओं में थी, क्लास में भी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था, अब देखते हैं आपने उसको कितना पढ़ा जा करके, ठीक है। चलिए तो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के बारे में कह रहे हैं, रेफरेंस टू दी गोल्स ऑफ नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। ये जो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी आई है 2022 में, इसने अपने कुछ गोल्स रखे हैं। गोल्स के बारे में दो स्टेटमेंट दिए हैं, हमें करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो फाइंड आउट करना है। इट एम्स टू बी अमंग द टॉप 10 इन द लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स बाय 2030। इस पॉलिसी ने ये कहा है कि भारत को हम 2030 तक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 10 नंबर या टॉप 10 के अंदर लेकर के आएंगे। क्या ऐसा है? लॉजिस्टिक कॉस्ट हैव टू बी कट बाय हाफ टू बी नियर ग्लोबल बेंचमार्क बाय 2030। 2030 तक हम जो लॉजिस्टिक की कॉस्ट है, लॉजिस्टिक यानी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना, प्रोडक्शन जहां पर हो रहा है वहां से मार्केट तक उसको पहुंचाना, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट को हम कट करेंगे कितने से? हाफ से, जितना ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट है उससे 2030 तक। क्या ऐसा इसने गोल रखा है या नहीं रखा है? आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, या दोनों में से कोई नहीं। चलो भाई जल्दी से आप करिए आंसर क्वेश्चन नंबर टू का, क्या होगा? दोनों बातें सही हैं, दोनों बातें गलत हैं, पहली सही है दूसरी गलत है, क्या है इसके अंदर? ठीक, चलो ज़्यादातर लोग आप लोग कह रहे हैं सी, तो बिल्कुल सही है, सी इज़ एब्सोल्युटली द राइट आंसर। और ये दोनों ही फैक्ट आप लोग ध्यान रखेंगे, सबका सी है, तो सी इज़ द राइट आंसर, बिल्कुल सही बात है। दोनों ही एम रखे हैं भारत सरकार ने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 के अंतर्गत। याद रखिएगा, मेंस में काम आएंगे आंसर्स में कोट करने के लिए। भारत ने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी दी है जिसके दो एम हैं, कि लॉजिस्टिक इंडेक्स में 2030 तक टॉप 10 पे पहुंचना है, और लॉजिस्टिक जो आपका कॉस्ट है उसको 2030 तक हमें आधा करना है जितना ग्लोबल बेंचमार्क सेट किया गया है उसके कंपैरिजन में, ठीक। ये दोनों आपके एम हैं नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के। न्यूज़ में बिल्कुल इसलिए था क्योंकि भारत सरकार ने, द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी टू अचीव क्विक लास्ट माइल कनेक्टिविटी डिलीवरी सामान की हो सके, इसलिए भारत सरकार ने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को हाल ही में लॉन्च किया है। लॉजिस्टिक मैंने आपको बता दिया क्या होता है, लॉजिस्टिक कि एक सामान को दूसरी जगह तक ले जाना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाना इज जनरली कॉल्ड एज लॉजिस्टिक। सामान हो सकता है, लोग हो सकते हैं, रॉ मटेरियल हो सकता है, यानी फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन तक ले जाना। और भी कुछ गोल्स हैं, और भी कुछ एम हैं इस पॉलिसी के, जब मैं पीडीएफ शेयर करूंगी आप उसको पढ़ लीजिएगा। दो एम्स आप लोग यहाँ से याद रखिएगा, ठीक। नहीं, स्टैटिस्टिक्स लॉजिस्टिक्स में का पार्ट है, नहीं, स्टैटिस्टिक्स जो है बेसिकली आंकड़ों को कहते हैं हम, वो लॉजिस्टिक्स का पार्ट नहीं है। लॉजिस्टिक इज द कंबाइंड जो आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है पूरी तरीके से, कितनी जल्दी आप किसी व्यक्ति को, किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा पा रहे हैं, दैट्स कम्स अंडर द लॉजिस्टिक्स रुद्राक्षी, ठीक है। चलो नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पर। थोड़ा सा आपका ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे 2022? व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे 2022? यानी अभी हाल ही में वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे मनाया गया 2022 में, इसकी थीम क्या थी? आस्क बिफोर सर्चिंग मेडिकेशन सेफ्टी, वार्निंग इन मेडिकेशन, हेल्थ इज वेल्थ, क्या थीम थी आपको ये बताना है। बस छोटा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर
3 cancer. What is the theme of the World Patient Safety Day 2022? Okay, गौरी का आंसर मेरे पास आया है. बाकी के लोग जल्दी आंसर करिए और सेशन को लाइक भी करते जाइए. ठीक बात है? ठीक है. ओके, बी कह रहे हैं सारे लोग, तो ऑफ कोर्स इट इज करेक्ट. मेडिकेशन सेफ्टी इज द राइट आंसर, जो कि थीम थी वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे 2022 की. हाल ही में मनाया गया ये आपका वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे. ठीक. नाउ नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर. क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि इम्पॉर्टेंट है. चीता, अभी अभी रिसेंटली उसे री इंट्रोडक्शन किया गया है. चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट पे है. थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है. 3 स्टेटमेंट है. फाइंड करना है इनकरेक्ट. ध्यान दीजिएगा, इनकरेक्ट को फाइंड आउट करना है. ठीक है. ठीक, तो पहला देखिए. कूनो नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन राजस्थान वेयर चीताज आर रीसेटलिंग डाउन. कूनो जो नेशनल पार्क है वो आपका राजस्थान में लोकेटेड है, जहाँ पर अभी हाल ही में चीता को रीसेटल किया गया है, यानी लाया गया है. दूसरा क्या कह रहा है? द चीता इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट लैंड मैमल दैट लिव्स इन अफ्रीका एंड एशिया. चीता जो है वो वर्ल्ड के सबसे तेज दौड़ने वाले मैमल हैं, स्तनधारी हैं, वर्ल्ड फास्टेस्ट लैंड मैमल हैं, यानी जो भूमि पर रहते हैं वो हैं. That lives in Africa and Asia, जो अफ्रीका और एशिया में रहते हैं, यानी अफ्रीका और एशिया में जितने भी लैंड पर मैमल रहते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा तेज़ी से जो है वो चीता दौड़ता है. एशियाटिक चीता आर स्लाइटली स्मॉलर देन दी अफ्रीकन चीता. आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है. ए 2 ओनली, बी 1 and 3 ओनली, सी 1 ओनली और डी नन ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको बताना है क्या सही है. इनकरेक्ट पूछा गया है तो आपको इनकरेक्ट बताना है, यानी जो सही नहीं है उसको हटा करके आंसर बनाना है, विच इज नॉट राइट. ओके, इसका बड़ा ज्यादातर लोग कह रहे हैं सी. बिल्कुल, सी इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर. सी बिल्कुल सही है क्योंकि जो कूनो नेशनल पार्क है इट इज़ इन मध्य प्रदेश, नॉट इन राजस्थान. इनकरेक्ट पूछा गया है. बाकी दोनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही हैं. यहाँ से आप ये स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा कि जो आपके एशियाटिक चीता होते हैं वो स्लाइटली छोटे होते हैं देन दी अफ्रीकन चीता, पहली बात. दूसरी बात, चीता जो है वर्ल्ड का फास्टेस्ट लैंड मैमल है जो लिव करता है अफ्रीका और एशिया में. ठीक है, यहाँ से ये दोनों इन्फॉर्मेशन आप ध्यान रखेंगे. चीते पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, चीता रिलोकेशन पर आपसे री इंट्रोडक्शन पर पूछे जा सकते हैं. चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर. क्वेश्चन नंबर 5 में 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमसे करेक्ट स्टेटमेंट को पूछा गया है. क्या कह रहा है पहला स्टेटमेंट? गवर्नमेंट विल सून स्टार्ट अम्बेडकर सर्किट दैट विल कनेक्ट 6 साइट्स एसोसिएटेड विद अम्बेडकर. यानी गवर्नमेंट हाल ही में क्या करेगी? आपकी अम्बेडकर सर्किट को स्टार्ट करेगी. जो 6 साइट्स हैं अम्बेडकर से रिलेटेड उनको क्या करेगी? एसोसिएटेड है या उनसे संबंधित है. दूसरा कह रहे हैं इन नागपुर अम्बेडकर कन्वर्टेड टू बुद्धिज़्म. यानी नागपुर में अम्बेडकर जी जो हैं वो बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हुए थे, उन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया था. आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, सही स्टेटमेंट बताना है. चलिए, टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आपके चैट बॉक्स में आपको मिल रहा होगा. जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है टेलीग्राम ग्रुप को, भाई ज्वाइन कर लीजिए आप लोग. ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना, बिकॉज हमें जब रिवीजन करना होता है तो हम एक बार पीडीएफ से आसानी से रिवाइज कर सकते हैं और क्वेश्चंस जो उस पर डाले जा रहे हैं उनको करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है. ओके, ज़्यादातर लोग आप लोग सब कह रहे हैं 5th का सी. गलत है, 5th का सी नहीं होगा, दैट विल बी ए, सॉरी 2 होगा, बी होगा. 5th का बी इज़ द राइट आंसर. देखो, पहला वाला स्टेटमेंट में सब सही है. 6 साइट नहीं है, 5 साइट्स हैं. 5 साइट्स की बात कही गई है, नॉट 6 साइट्स. बिल्कुल सही है कि भारत सरकार अंबेडकर सर्किट लेकर आएगी जिसमें अंबेडकर जी से रिलेटेड जो
पांच इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं, उनको कनेक्ट किया जाएगा जिससे कि क्या किया जा सके, उनके बारे में इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जा सके, फैलाई जा सके, टूरिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर बुलाया जा सके जिन्हें इंटरेस्ट है अंबेडकर जी की आइडियोलॉजी, फिलॉसफी इन सब में, ठीक है। हाँ, नागपुर में अंबेडकर जी कन्वर्ट हुए थे बुद्धिज़्म में, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं अदिति आप, इसी वजह से बी आंसर होगा। तो मैं इसीलिए बार बार कहती हूँ कि थोड़ा सा आप नंबर्स पर भी ध्यान दिया करिए, बिकॉज अदरवाइज हमारा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है, ठीक है। अंबेडकर सर्किट बहुत इम्पॉर्टेंट है, इवन जिस योजना के अंतर्गत इसे लाया जा रहा है वो स्कीम अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है, भारत सरकार की स्वदेश दर्शन स्कीम और प्रसाद स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की ये दोनों स्कीम हैं जो भारत सरकार भारत के अंदर टूरिज्म को बढ़ाने के लिए लेकर के आई है। तो यहाँ से थोड़ा सा हम इन स्कीम के बारे में भी देखेंगे। एब्सोल्युटली राइट तनु, इट इज़ पंच तीर्थ, बिल्कुल, अ टूरिज्म सर्किट कनेक्टिंग पंच तीर्थ। पंच तीर्थ का मतलब ही यहाँ पर ये है कि फाइव की साइट्स होंगी जो अम्बेडकर जी से एसोसिएटेड हैं, drawn up by the government in order to improve connectivity, enhance tourism and brand the location. इन locations पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और उनके बारे में जानें, इन बातों को प्रमोट करने के लिए लेकर के आई है अम्बेडकर सर्किट नाम की जो आपकी बनाने की बात कही जा रही है। नाउ कौन सी वो फाइव साइट्स हैं, यहाँ आप मैप में देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फाइव साइट। सबसे पहला अगर हम देखें तो उनका जन्म का स्थान, कहाँ पे उनका जन्म हुआ, तो मध्य प्रदेश के मऊ में उनका जन्म हुआ। तो पहला प्लेस एमपी, जहाँ पे अंबेडकर जी का बर्थ हुआ था। दूसरा प्लेस की अगर हम बात करें तो यहाँ से याद रखिएगा दादर, मुंबई के अंदर, जहाँ पर उन्हें क्रीमेटेड किया गया था, यानी डेथ के बाद उन्हें क्रीमेटेड किया गया। नागपुर में उन्होंने बुद्धिज़्म को अपनाया, यानी वो बुद्ध धर्म में कन्वर्ट हुए थे। लंदन, यहाँ पर अंबेडकर जी ने रह कर के थोड़े समय स्टडी की थी। और लास्ट अगर हम बात करें, दिल्ली'स रेडिजेंस वेयर ही लिव्ड ड्यूरिंग हिज लास्ट ईयर, अंत समय में, यानी जीवन के अंत समय में वो जहाँ रहे वो है दिल्ली। इन पांचों को कनेक्ट करते हुए आपका बनाया जाएगा पंचतीर्थ, ठीक बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, एकदम एब्सोल्युटली राइट प्रिया। यहाँ से आप प्लेसेस भी याद रखिएगा, कहाँ पर अंबेडकर जी की लाइफ का क्या जो टाइम था वो स्पैंड किया गया, उन्होंने वहाँ पर क्या किया, ठीक। चलिए, अब जो दो स्कीम की मैं बात कर रही थी, आप ध्यान रखिएगा, स्वदेश दर्शन स्कीम और दूसरा प्रसाद स्कीम। प्रसाद स्कीम इज द पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। इन दोनों ही स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार टूरिज्म को बढ़ाने के लिए काम कर रही है और इंडियन गवर्नमेंट ने कई सारे और सर्किट्स भी बताए हैं या मेंशन किए हैं, जैसे कि रामायण सर्किट, जैसे कि बुद्धिस्ट सर्किट, जैसे कि हिमालयन सर्किट, इनके अंतर्गत भी टूरिज्म को बूस्ट करने का काम किया जा रहा है, ठीक। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर स्वदेश दर्शन स्कीम के बारे में लिख दिया है, आप एक बार जब नोट्स मिलेंगे उससे पढ़ लीजिएगा। और कई सारे सर्किट्स हैं, जैसे कि एक मैंने आपको बताया हिमालयन सर्किट, ये रहा हिमालयन सर्किट, हेरिटेज सर्किट, कृष्णा सर्किट, कृष्ण से रिलेटेड जितने भी प्लेसेस हैं उन सबको कनेक्ट करने की बात कही जा रही है, उन सबको डेवलप करने की, उन्हें कनेक्ट करने की बात कही गई है, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए दोनों स्कीम भी, प्रसाद स्कीम भी और स्वदेश दर्शन स्कीम भी। सर्किट्स कौन कौन से हैं, जो लोग UPPCS बेसिकली देने जा रहे हैं वो यूपी के अंदर कौन कौन से सर्किट्स पढ़ रहे हैं, सर्किट्स में कौन कौन से प्लेसेस आ रहे हैं उनको ध्यान रखेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, अमंग द फॉलोइंग स्टेट, अगेन अ फैक्चुअल क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज रिसेंटली गॉट इंडियाज फर्स्ट स्वच्छ सुजल प्रदेश सर्टिफिकेशन। हाल ही में किसे भारत का पहला फर्स्ट स्वच्छ सुजल प्रदेश का सर्टिफिकेट मिला है, बिल्कुल सबका सही है। निशांक सी कैसे बोल रहे हो भाई, इट्स बी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को भारत का पहला
स्वच्छ सुजल प्रदेश जो है वो दिया गया है, उसका अवार्ड दिया गया है अंडमान एंड निकोबार को। ठीक, किसने दिया है तो हम बात करें तो इसे दिया गया है जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा। सर्टिफिकेशन जो है तीन चीज़ों को क्योंकि इसने इंश्योर किया है इसलिए दिया गया है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तीन चीज़ें कौन कौन सी हैं जिसे इसने इंश्योर किया है तब इसको पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश सर्टिफिकेट दिया गया है। पहला है सेफ एंड सिक्योर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, दूसरा है ODF प्लस स्टेटस, तीसरा है अवेयरनेस अबाउट क्लीनलीनेस एंड कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम्स। इन तीन बातों को इसने सुनिश्चित किया है अंडमान एंड निकोबार ने, इसीलिए इसको पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश का अवार्ड दिया गया है। तो पूछा जा सकता है किस बेसिस पर दिया जाता है, तो ये तीन बेसिस हैं जिन पर दिया जाता है। ठीक, पहला सेफ एंड सिक्योर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई दे रहा है, ODF प्लस स्टेटस दे रहा है, अवेयरनेस अबाउट क्लीनलीनेस एंड कन्वर्जेंस कर रहा है स्कीम्स का, इसीलिए इसे दिया गया है ये अवार्ड। ठीक बात है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने दिया है मिनिस्ट्री भी याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। लिखा है SBMU यानी स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 अनाउंस्ड इन बजट 2020-2021। ठीक, इज द कंटिन्यूएशन ऑफ स्वच्छ भारत मिशन अर्बन फर्स्ट फेज, यानी जो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 है उसे बजट 2020-21 में अनाउंस किया गया। यह है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन जो पहला फेज था उसका ही कंटिन्यूएशन है, क्या ऐसी बात है। नोडल मिनिस्ट्री फॉर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ओनली वन, ओनली टू, बोथ या फिर नन, दोनों में से दोनों सही हैं, एक सही है दूसरा सही है या दोनों गलत हैं, सही आंसर बताना है। ओपन डेफिकेशन फ्री मतलब क्या होता है, अभी बता देती हूँ, एक सेकेंड बस इस क्वेश्चन का आंसर दे दो फिर मैं बताती हूँ व्हाट इज ओपन डेफिकेशन फ्री। चलो अभी आते हैं बस उस पर, अभी बताती हूँ। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 7 का बस जस्ट आंसर करिए फिर अभी बताती हूँ व्हाट इज ओपन डेफिकेशन फ्री। चेतन ठीक है, चलो चलिए आंसर करिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 7 का, अभी बताती हूँ ओपन डेफिकेशन फ्री क्या है। किसी को भी नहीं आ रहा स्वच्छ भारत मिशन क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, सी। ओके, राजू का आंसर आया है, तनु का आंसर आया है, तनु कह रही है बी, राजू कह रहे हैं सी। चलिए ओके, कुछ लोग बी कह रहे हैं कुछ लोग सी कह रहे हैं, बी और सी। ओके जो लोग भी बी कह रहे हैं बिल्कुल सही हैं, जो सी कह रहे हैं वो गलत हैं। बी इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर, बी बिल्कुल सही है, पहला वाला स्टेटमेंट हमारा गलत है। हाँ, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत आता है, वही इसकी नोडल एजेंसी है या नोडल मिनिस्ट्री है इस मिशन को आपका लागू करने के लिए, लेकिन इसे बजट 2020-21 में नहीं बल्कि 21 और 22 में अनाउंस किया गया था। इट वॉज अनाउंस्ड इन द बजट 2021-2022, 21-22 में अनाउंस किया गया था, ना कि आपका 2021 में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस वजह से बी विल बी दी करेक्ट आंसर, सी आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम ओपन डेफिकेशन फ्री क्या होता है, यानी खुले में शौच मुक्त करना इस कॉल्ड एज ओपन डेफिकेशन फ्री। अब पहली वाली जो स्वच्छ भारत मिशन था, ठीक है, उसका टारगेट था कि हमें ओपन डेफिकेशन फ्री करना है, यानी लोग खुले में शौच करने ना जाएं, उसके लिए टॉयलेट्स वगैरह बनाने की बात कही गई थी पहले वाले में। अब दूसरे वाले में हमने टारगेट्स कुछ और रखे हैं, ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस भी है और ओपन डेफिकेशन फ्री डबल प्लस भी है, ODF प्लस एंड ODF डबल प्लस,
इन दोनों को फोकस किया है हमने इसमें, यानी सिर्फ हमें ODF करने से काम नहीं चलेगा, प्रॉपर तरीके से सीवेज को हमें क्या करना होगा, ट्रीट भी करना होगा। तो सीवेज ट्रीटमेंट से रिलेटेड है आपका ODF प्लस एंड ODF डबल प्लस। इसके बाद एक और भी है इसमें वाटर प्लस, ठीक, उसके बाद एक और है इसमें वाटर प्लस, यानी जो पानी निकलता है ग्रे वाटर या ब्लैक वाटर निकलता है टॉयलेट से और इन सब से आपका, उसको भी प्रॉपर ट्रीट करके रीयूजेबल यानी यूज़ करने के लायक बनाना है, ये कहता है आपका वाटर प्लस। ठीक बात है, तो समझ में आ गया होगा आई थिंक ओपन डेफिकेशन फ्री क्या है और स्वच्छ भारत अर्बन मिशन 2.0 के टारगेट्स क्या क्या हैं, ODF प्लस, ODF डबल प्लस एंड वाटर प्लस, इसके टारगेट्स रखे गए हैं। ठीक, चलिए नाउ क्यों न्यूज़ में रहा, बिकॉज SBM अर्बन 2.0 मेडन एडिशन ऑफ इंडिया स्वच्छता लीग, एक्चुअली इसका पहला एक इंडियन स्वच्छता लीग हो रही है, हैज़ मोबिलाइज 500,000 यूथ एंड सेलिब्रिटीज टूवर्ड्स मेकिंग सिटीज क्लीन ग्रीन एंड गार्बेज फ्री। यानी इस मिशन के अंतर्गत पहला एडिशन किया जा रहा है, एक लीग की जा रही है इंडियन स्वच्छता लीग, जिसके अंतर्गत यूथ को कहा जाएगा, सेलिब्रिटीज़ को कहा जाएगा कि आप स्वच्छता को अपने शहर को साफ करें, हरा भरा करें और गार्बेज फ्री करें। ये अनाउंस हुआ था आपका 2021-2022 में, फर्स्ट फेज लॉन्च हुआ था 2014 में और ख़त्म हो गया था 2019 में। ठीक है, चलिए समझ में आ गई बात आपको, क्लियर, डाउट मत रखिएगा, एकदम साथ साथ क्लियर करते जाइएगा। ठीक, एम इसके क्या क्या हैं, कुछ एम देख लेते हैं और टाइमलाइन देख लेते हैं कब तक कंप्लीट होना है। टाइमलाइन यानी कब कंप्लीट होगा, 5 साल में 21 से 26। एम क्या क्या है, सिटी को, ऑल सिटीज को गार्बेज फ्री बनाना है, ग्रे एंड ब्लैक वाटर मैनेजमेंट, वही ग्रे एंड ब्लैक वाटर मैनेजमेंट जो आपका टॉयलेट से निकलता है, सीवेज से जो निकलता है, गटर का जो पानी होता है वो, वाटर मैनेजमेंट इन ऑल सिटीज अदर देन दोज कवर्ड अंडर अमृत, अमृत के अलावा जहाँ पर कवर नहीं होता है अमृत से वहाँ पर, मेक ऑल अर्बन लोकल बॉडीज ODF प्लस, सारी अर्बन लोकल बॉडीज को ODF प्लस बनाना, मेक दोज विद अ पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 1 लाख एज ODF डबल प्लस, ऐसी सिटीज जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से कम है उनको ODF डबल प्लस बनाना, ये सारे टारगेट हैं जिन्हें 2026 तक हमें पूरा करना है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के अंतर्गत। ठीक है, बिल्कुल, चलो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी 100% है इसके अंदर। तो फर्स्ट वाले मिशन को भी याद रखिएगा और 2.0 को भी याद रखिएगा, फर्स्ट के टारगेट कंपेयर करके रखिएगा सेकंड के टारगेट के साथ में, फर्स्ट का अचीव करने का ईयर कंपेयर करके रखिएगा सेकंड वाले के साथ में। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, अमंग द फॉलोइंग व्हाट इज ट्रू अबाउट सीका, इट वाज इन न्यूज़, CICA, इट वाज रिसेंटली इन न्यूज़, बेसिकली ये एक कॉन्फ्रेंस है आपकी जो अभी हाल ही में चर्चाओं में रही है, तो आपको उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। इट वॉज फाउंडेड इन 1992, ये आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या फाउंड हुआ था 1992 में, इट इज़ अ मल्टीनेशनल, हमें ट्रू बताना है, इट इज़ अ मल्टीनेशनल फोरम ऑफ कंट्रीज हैविंग अ पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी इन एशिया, ये मल्टीनेशनल कंपनीज का या मल्टीनेशनल कंट्रीज का एक फोरम, मतलब नेशनल फोरम है, मल्टीनेशनल फोरम है उन देशों का जो एशिया या जिनके पार्ट्स एशियन टेरिटरी में आते हैं। तीसरा द सीका, इसका सेक्रेटेरिएट है आलमेटी कजाकिस्तान में सिंस जून 2006 से, तो क्या सीका का सेक्रेटेरिएट कजाकिस्तान के आलमेटी के अंदर है, क्या इसको 1992 में फाउंड किया गया था, क्या ये एक मल्टीनेशनल फोरम है एशिया और उन देशों का जिनकी टेरिटरीज एशिया में पड़ती हैं, या फिर ये तीनों ही बातें सही हैं, इसके बारे में हमें बताना है ट्रू क्या है, सीका के बारे में सही क्या है। ओके, आप लोग आंसर्स कर रहे हैं,
चलिए, अभी न्यूज में रहा हाल ही में SCO की जो समिट हुई है उस दौरान भी ये चर्चाओं में रहा और वैसे भी एक और बात की वजह से ये न्यूज में रहा था अभी हाल ही में। चलिए, एट्थ का आंसर आप सारे लोग ट्रू को जो कह रहे हैं इट विल बी ऑल डी सही आंसर है। तो जिन लोगों को भी सीखा के बारे में नहीं पता है थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में आप नोट कर लीजिए, डी विल बी द राइट आंसर। सारे स्टेटमेंट आपके सही हैं। इसका सेक्रेटेरिएट कजाकिस्तान के ऑलमेटी में है, दूसरा 1992 में फाउंड हुआ था, तीसरा ये एक मल्टीनेशनल फोरम है, UN का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, मल्टीनेशनल फोरम है ऐसी कंट्रीज का जो एशिया के अंदर पड़ती हैं, जिनकी एशियन टेरिटरी या एशिया में जिनकी टेरिटरी है, क्षेत्र है, उनका ये ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, हम एस्टेब्लिशमेंट 1992 में एक्चुअली ये फाउंड हो गया था, बन गया था, इट वॉज फाउंडेड इन 1990। अच्छा ठीक है, देखिए एस्टेब्लिशमेंट आपका हुआ था 1999 में, लेकिन बातचीत या फाउंडेशन हम बात करें तो आपका रख लिया गया था 1992 में। ठीक है राजू, ठीक, तो डी विल बी द राइट आंसर। अब चर्चाओं में क्यों था सी का आपका, कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया। क्या है सीखा, एक कॉन्फ्रेंस है, किस बात के लिए, इंटरेक्शन के लिए एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया। नेक्स्ट ये फोरम है जिसका एम वही है कोऑपरेट करना और सब कुछ करना, ये सब कॉमन बातें हैं, आपस में बातचीत करेंगे कॉमन आपका ये सारी चीज़ें। हाँ, इंटर गवर्नमेंटल भी कहा जाएगा, इंटर गवर्नमेंटल भी कहेगा क्योंकि सरकारों के बीच का है, नेशनल भी आप कह सकती हैं इसे प्रिया, इंटर गवर्नमेंटल अगर लिखा होगा तो दैट विल बी ऑल्सो करेक्ट, सरकारों के बीच का है ये भी सही है और राष्ट्रों और सरकारों के बीच में दोनों ही बातें सही हैं। ठीक, इंटर गवर्नमेंटल भी ठीक आएगा। चलिए नेक्स्ट जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है, देखो मेंबर कंट्रीज और ऑब्जर्वर स्टेटस भी आप देते हैं कुछ देशों को। अभी हाल ही में ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि जब हमारे यहाँ से मोदी जी अभी गए थे SCO की समिट में तो कजाकिस्तान इज ऑल्सो दी मेंबर और कजाकिस्तान में ही इसका हेडक्वार्टर है और 30th मीटिंग जो है सीका की वो अक्टूबर में कजाकिस्तान में होने वाली है नूर सुल्तान के अंदर। अब नूर सुल्तान जो है अभी भी न्यूज़ में हाल ही में भी था, नूर सुल्तान जो कि कैपिटल है आपकी कजाकिस्तान की, कजाकिस्तान की जो कैपिटल है वहाँ पर होने वाली है इसकी अपकमिंग मीटिंग, तो मोदी जी को उसके लिए इनवाइट किया गया था, दैट वाई इट इज़ इन न्यूज़। ठीक, नाउ सीका मेंबर्स कौन कौन हैं, 27 एशियन कंट्रीज़ हैं जो सीका के मेंबर हैं, इंडिया भी इसमें शामिल है, एशियन कंट्रीज़ जो कि आपकी सीका की मेंबर हैं। ठीक बात है, ठीक है, चलो 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो इसके अंदर आते हैं, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी इसके मेंबर हैं, ऑब्जर्वर स्टेट्स भी हैं 9 जो देखते हैं, ऐसे हम देते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ऑब्जर्वर स्टेटस भी देते हैं, परमानेंट मेंबर्स को भी देते हैं। नाउ क्लियर है, चले आगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 को आंसर करिए, आपके सामने है PM प्रणाम स्कीम, देखा होगा अभी हाल ही में न्यूज़ में था PM प्रणाम स्कीम, वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम है, बहुत अच्छी स्कीम है आपकी PM प्रणाम स्कीम। बिल्कुल, अब कैपिटल का नाम बिल्कुल आप सही कह रही हैं गौरी, चेंज हो गया है, अस्ताना कर दिया गया है, पहले 2019 में नूर सुल्तान से आपका नू अस्ताना से नूर सुल्तान करा गया था और अभी हाल ही में चेंज करके इसको फिर से अस्ताना कर दिया गया है। नूर सुल्तान एक्चुअली उनके लीडर रहे, बहुत प्रोमिनेंट लीडर थे जिनके नाम पर इसको नूर सुल्तान 2019 में किया गया था। हाँ, अस्ताना कैपिटल बिल्कुल कजाकिस्तान की पहले कैपिटल अस्ताना ही थी, 2019 में उसका नाम बदल करके प्रिया नूर सुल्तान कर दिया गया था, अब फिर से
ये बात कही है कि हम फिर से इस कैपिटल का नाम अस्थाना ही कर देंगे, तो इसके कैपिटल का नाम चेंज हो रहा है बार बार, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9, अमंग द फॉलोइंग व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट पीएम प्रणाम स्कीम। पीएम प्रणाम स्कीम के बारे में सही क्या नहीं है। पहला है द स्कीम विल नॉट हैव अ सेपरेट बजट। क्या इस स्कीम का हमें नॉट ट्रू बताना है जो सही नहीं है। द स्कीम विल नॉट हैव अ सेपरेट बजट, स्कीम का कोई सेपरेट बजट नहीं होगा। द स्कीम विल कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, स्कीम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत आएगी। तीसरा है IFMS, इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर्स मैनेजमेंट सिस्टम विल बी यूज्ड फॉर डेटा अवेलेबिलिटी। क्या इस सिस्टम को यूज़ किया जाएगा डेटा अवेलेबिलिटी के लिए, या इनमें से कोई भी बात सही नहीं है, या इनमें से कोई भी बात सही नहीं है। आंसर होगा नन। क्या होगा इसके लिए, पीएम प्रणाम स्कीम बहुत चर्चाओं में थी, आप लोगों ने डेफिनेटली पढ़ा होगा, जो सही नहीं है हमें उसके लिए बात करना है। ध्यान दीजिएगा, जो ठीक नहीं है हमें वो बताना है। द स्कीम विल नॉट हैव अ सेपरेट बजट, द स्कीम विल कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, IFMS यानी इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर्स मैनेजमेंट सिस्टम विल बी यूज्ड फॉर डेटा अवेलेबिलिटी, या इनमें से कोई नहीं। चलिए, जो लोग भी ए कह रहे हैं आंसर सही नहीं है, आंसर होगा इसका बी। हमसे पूछा गया है क्या सही नहीं है, पहला वाला स्टेटमेंट स्टूडेंट सही है। द स्कीम विल नॉट हैव अ सेपरेट बजट, इस स्कीम का अलग से कोई बजट नहीं होगा, ये सही बात है, और यही तो पूरी स्कीम ही है, ये पूरी स्कीम ही ये है। दूसरा, ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर नहीं आएगी, दैट स्कीम्स कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री जो है आपकी, उसके अंतर्गत आएगी, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंतर्गत आती है आपकी पीएम प्रणाम स्कीम, नॉट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। देन थर्ड है IFMS, इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर्स मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाएगा जिसे यूज़ किया जाएगा डेटा की अवेलेबिलिटी के लिए, ये बात भी सही है। ठीक, तो पीएम प्रणाम स्कीम चर्चाओं में थी, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आपका था, इसमें आपका बी आंसर जो है वो गलत है, बिकॉज ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर के अंतर्गत आएगी। इस स्कीम से जुड़े कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले तो फुल फॉर्म, प्रमोशन ऑफ ऑल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना टू रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, जिससे कि केमिकल फर्टिलाइजर्स का कम प्रयोग किया जा सके, उसे रिड्यूस किया जा सके। अब होगा क्या बेसिकली, इसमें प्रमोशन ऑफ ऑल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना, यानी जो भी स्टेट्स आपके प्रमोशन करेंगे एग्रीकल्चर के अंदर फर्टिलाइजर को मैनेज करने के लिए जो काम करेंगे और उससे जो पैसा बचाएंगे, उसी पैसे से इस स्कीम के लिए फंडिंग की जाएगी, यानी वही पैसा इस्तेमाल किया जाएगा। कैसे, 50% ऑफ सब्सिडी सेविंग्स विल पास्ड ऑन एज अ ग्रांट टू द स्टेट दैट सेव्स द मनी। जो राज्य फर्टिलाइजर पे कम खर्च करके उसको अच्छे से मैनेज करके जो भी पैसा बचाएगा, जितना पैसा बचाएगा, उस पैसे का 50% सब्सिडी के रूप में सरकार देगी। कैसे देगी, ग्रांट से, उसी पैसे को ग्रांट के रूप में दिया जाएगा सरकार के द्वारा। अब जितना पैसा सरकार देगी, उस पैसे का 70% स्टेट यूज़ करेंगे आपके, 70% जो है वो स्टेट यूज़ करेंगे अंडर द स्कीम एसेट क्रिएशन पे। कैसी एसेट क्रिएशन पे, और टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन पे, जिससे कि और फर्टिलाइजर्स को कम से कम हम यूटिलाइज़ करें। ठीक बात है। दूसरा, 70% के बाद जो 30% बचा हुआ पैसा होगा
वो उन किसानों को दिया जाएगा, उन लोगों को दिया जाएगा जिन्होंने फर्टिलाइज़र की बचत की है और फर्टिलाइज़र के कंजम्पशन को कम किया है। तो इसके लिए अलग से कोई बजट रिलोकेट नहीं किया जाएगा, सेपरेट बजट नहीं बनाया जाएगा। इसी स्कीम में जो पैसा बचा करके निकाला जाएगा, फर्टिलाइज़र पर जो खर्च किया जाता है उससे बचा करके जो निकाला जाएगा उसी का ही इस्तेमाल किया जाएगा। 30% इसका इस्तेमाल किया जाएगा जिन लोगों को रिवॉर्ड देने में जिन्होंने ये अपनाई है या अच्छा काम किया है, और 70% ऑल्टरनेट खोजने में फर्टिलाइजर्स के। तो ये है बेसिकली जो आपकी पीएम प्रणाम स्कीम है, बहुत अच्छी स्कीम है सरकार की टू रिमूव या टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र के यूज़ को कम करने के लिए। ठीक, बहुत अच्छी स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स की। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। माया, अभी हाल ही में न्यूज में था माया, विच वॉज सीन इन द न्यूज इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लोनिंग ऑफ विच एनिमल। माया अभी हाल ही में चर्चाओं में था, ये किसका पहला, विश्व का पहला क्लोनिंग एनिमल है? वाइल्ड आर्टिक वॉल्फ, वन हॉर्न राइनो, लॉयन टेल्ड मकाक या फिर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। किसका क्लोन है पहला, विश्व का फर्स्ट क्लोन ऑफ विच एनिमल, किस एनिमल का, इस इनमें से चार एनिमल का क्लोन है माया, किसका है हमें ये बताना है, और पहली बार बनाया गया है ये भी सही ध्यान रखिएगा। यस, बिल्कुल, जो भी कह रहे हैं ए इज एब्सोल्युटली राइट। अमित वर्मा जी, सी नहीं होगा, आंसर होगा ए, वाइल्ड आर्कटिक वॉल्फ। वाइल्ड आर्कटिक वॉल्फ का हाल ही में क्लोन तैयार किया गया है जिसका नाम दिया गया है माया। तो याद रखना, पूछा जा सकता है माया क्या है, क्लोन है, वर्ल्ड का पहला क्लोन है, किस एनिमल का है, वाइल्ड आर्कटिक वॉल्फ का। समझ में आ रहा है, आर्कटिक सर्कल के आसपास आपका होगा, वहाँ पर मिलता होगा, इसीलिए इसे नाम दिया गया वाइल्ड आर्कटिक वॉल्फ का, क्लोन है माया। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एक दो और हैं इससे रिलेटेड जो आपको ध्यान रखने हैं। वाइल्ड आर्कटिक जो वॉल्फ का ये क्लोन तैयार किया गया है सक्सेसफुली, इसमें बेसिकली आपका क्या है, बीजिंग बेस्ड जीन फर्म है जिसने सक्सेसफुली वाइल्ड आर्कटिक वॉल्फ को पहली बार इसने क्या किया है, बनाया है। वॉल्फ कहाँ मिलता है, इसे हम कहते हैं वाइट वॉल्फ, वाइट वॉल्फ भी कहते हैं, पोलर वॉल्फ भी कहते हैं। ये एनिमल नेटिव है कहाँ पर, कनाडा के क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड पर। तो ध्यान रखिएगा कहाँ पर नेटिव है, कनाडा के क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड पर। बिल्कुल, चाइना ने क्रिएट किया है, बिल्कुल फीमेल वॉल्फ है, एकदम सही बात है, बिल्कुल, जिन्होंने भी ए आंसर दिया है बिल्कुल सही है सबका। ठीक, कहाँ का नेटिव है ये ध्यान रखना है, कनाडा के अंदर क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड पर नेटिव है। ठीक है, देन माया की अगर हम बात करें तो माया में आप अगर हम बात करें डोनर सेल्स, मायाज डोनर सेल्स केम फ्रॉम स्किन सैंपल ऑफ वाइल्ड फीमेल आर्कटिक वॉल्फ, वाइल्ड इट्स ऊसाइट केम फ्रॉम दी फीमेल डॉग। इसके जो ऊसाइट्स हैं वो आए हैं फीमेल डॉग से। डोनर सेल जो दिए हैं वो किसने दिए हैं, आपके स्किन सैंपल ऑफ वाइल्ड फीमेल आर्कटिक वॉल्फ। इतना ना भी ध्यान रहे तो मत याद रखिएगा, सिर्फ इतना ध्यान रखने की ज़रूरत है माया है क्या। ठीक है, तो एक क्लोन है आपका विश्व का पहला। चलो, ये है कुछ इस तरीके का क्वींस एलिजाबेथ की लोकेशन अगर हम देखें जहाँ पर ये नेटिव है, तो ये कनाडा और कनाडा के ऊपर का ये जो आइलैंड है क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, यहीं पर ज़्यादातर आपके जो वॉल्फ्स हैं, ये आर्कटिक वॉल्फ्स जो हैं ये पाए जाते हैं। ठीक, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, इसके आसपास के भी कुछ आइलैंड्स हैं जैसे बैंक्स आइलैंड, विक्टोरिया आइलैंड, ये ग्रेट बियर लेक है यहाँ पर, ये आपकी बैफिन बे है। तो इम्पॉर्टेंट जो लोकेशन है उन्हें भी एक बार मार्क कर लिया हमने अपने मैप में। ठीक, नहीं, माया की कोई फुल फॉर्म नहीं है, ये सिर्फ क्लोन का नाम है, नाम दिया गया है क्लोन को। इट इज़ जस्ट जैसे कि पहली जो बनी थी वो बनी थी डॉली, डॉली भी क्या था, एक नाम है, शीप का नाम है रितिका। तो डॉली पहली बनने वाली जो आपकी क्लोन है, जब हमने क्लोनिंग करनी स्टार्ट करी तो पहली क्लोन जो बनाई गई दैट वाज डॉली और वो शीप थी। इसी तरीके से माया नाम दिया गया है
ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर. अस्ताना इज द न्यू कैपिटल ऑफ विच कंट्री. ठीक है, चलिए अब इसका आंसर तो सारे लोग दे देंगे. चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिए. अस्ताना इज द न्यू कैपिटल ऑफ विच कंट्री. तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान. बहुत सिंपल है, इट्स कजाकिस्तान. यहाँ से लेकिन हमें लोकेशन ध्यान रखनी है कजाकिस्तान की. कजाकिस्तान का एरिया कहाँ पड़ रहा है, किससे बॉर्डर लगाता है, क्या कजाकिस्तान कैस्पियन सी से बॉर्डर लगाता है या फिर नहीं लगाता. चलो बताओ भाई, इज कजाकिस्तान बॉर्डर विद कैस्पियन सी और नॉट बॉर्डर विद कैस्पियन सी. कजाकिस्तान कैस्पियन सी से यानी कैस्पियन सागर से बॉर्डर लगाता है या फिर नहीं लगाता, जल्दी बताओ. कजाकिस्तान कैस्पियन सागर से बॉर्डर लगाता है या फिर नहीं लगाता. बताओ, कजाकिस्तान कैस्पियन सागर से बॉर्डर लगाता है या फिर नहीं लगाता. अच्छा, पर्पस ऑफ क्रिएटिंग अ क्लोन, ओके, लगाता है या फिर नहीं लगाता, अभी बताते हैं रुद्राक्षी. लगाता है, बिल्कुल सही बात है. बॉर्डर लगाता है कैस्पियन सी से आपका कजाकिस्तान. ठीक, ये रही इसकी कैपिटल अस्ताना. सेंटर में ये है आपकी कैपिटल. ये है लेक बालखश. कहाँ पे पड़ती है, कजाकिस्तान के अंदर पड़ती है. रिवर फ्लो करती है सर दरिया या सिर दरिया, ध्यान रखिएगा. नेबरिंग कंट्रीज यहाँ पर हैं तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और ये रहा एरल सी, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में. देन किर्गिस्तान, यहाँ पर है चाइना, उसके बाद ऊपर रशिया. तो ये है इसकी नेबरिंग कंट्रीज. ठीक है, और अस्ताना की लोकेशन, कैपिटल की लोकेशन एरल सी बिटवीन उज्बेकिस्तान एंड कजाकिस्तान. देन उसके बाद आपका किर्गिस्तान, चाइना, ऊपर रशिया, ये सारी इसकी नेबरिंग कंट्रीज हैं. इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर की तरफ है आपका रशिया. ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको. लगाता है, बिल्कुल बॉर्डर लगाता है आपका कजाकिस्तान किसके साथ में, अगर बात करेंगे हम तो चलिए यहाँ पर भी एक ये दूसरा मैप है जिसमें पूरा आपको अच्छे से समझ में आएगा. लेक बालखश है यहाँ पर, एरल सी है इसमें, ये रहा एरल सी, लेक बालखश, कजाकिस्तान, अस्ताना, ऊपर की तरफ है आपका रशिया. ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर देखते हैं क्या है. क्वेश्चन नंबर 12, चलो क्वेश्चन नंबर 12 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सीबीआई. अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को लेकर के कुछ कहा है, कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, दैट वाई इट इज़ इन न्यूज़. तो सीबीआई यानी सीबीआई पे ऊपर आपको क्वेश्चन दिया गया है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो फाइंड आउट करना है. पहला कह रहे हैं, ठीक, हाँ बिल्कुल, ये भी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. प्रिया, तारिक से भी याद रख सकते हैं, कितार है उससे भी याद रख सकते हैं, जैसे आपको सही लगे आप वैसे याद कर सकते हैं. मैंने भी इस पर एक शॉर्ट बनाया हुआ है, आप उस पर भी देख सकते हैं. ठीक, चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12 में. पहले कह रहे हैं, इट इज़ द प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस एजेंसी इन इंडिया. सीबीआई जो है प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन पुलिस एजेंसी है भारत के अंदर. दूसरा, इट इज़ ऑल्सो द नोडल पुलिस एजेंसी इन इंडिया विच कोऑर्डिनेट्स इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ इंटरपोल मेंबर कंट्रीज. इंटरपोल आपको पता है कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है पुलिस को लेकर के, तो ये इंटरपोल के बिहाफ पर भारत के अंदर काम करता है, उसकी नोडल पुलिस एजेंसी है. इट फंक्शंस अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनेल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनेल, पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवांस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. क्या ये इसके अंतर्गत काम करता है सीबीआई, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है क्या सही है क्वेश्चन नंबर 12 के केस में. इट इज़ द प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस एजेंसी इन इंडिया. इट इज़ ऑल्सो द नोडल पुलिस एजेंसी इन इंडिया विच कोऑर्डिनेट्स इन्वेस्टिगेशंस ऑन बिहाफ
ओके, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर फंक्शन करता है ये बताएं जरा मुझे, कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है ये आपकी? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवांसेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत नहीं आता तो किसके अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत आता है ये? चलिए 12 का आंसर होगा डी, इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ, आपकी पर्सनल के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के अंतर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवांसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है आपका सीबीआई, तो डी विल बी द राइट आंसर। हाँ, इंटरपोल के लिए नोडल एजेंसी है ये भी बात सही है, प्रीमियम इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस एजेंसी है ये भी बात सही है, ठीक है। चेत, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, एक सेकेंड रुक जाओ मुझे देख लेने दो, नहीं भाई होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत नहीं आता है, चेक कर लीजिएगा एक बार, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत नहीं आता है, इट कम्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवांसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है, भूलिएगा मत, ठीक है। चलिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई, न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने क्रिटिसाइज किया है सीबीआई को फॉर इट्स एक्शन एंड इन एक्शन ऑन सेवरल ओकेजन एंड फ्लेश्ड फंडामेंटल प्रॉब्लम विद द फंक्शनिंग ऑफ द एजेंसी। सीबीआई के बहुत अच्छे से काम ना करने पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे अभी रिसेंटली फटकार लगाई है, या आप कह सकते हैं क्रिटिसाइज किया है, आलोचना की है, इसलिए ये न्यूज़ में था। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस एजेंसी है भारत के अंदर, एक इलीट फोर्स प्लेइंग अ मेजर रोल इन प्रिजर्वेशन ऑफ वैल्यूज, ये सब करता है, नोडल पुलिस एजेंसी है इंटरपोल के लिए, मेंबर कंट्रीज के लिए, जैसे अगर यहाँ पर इंटरपोल से रिलेटेड कोई मसला होगा तो सीबीआई उसको देखेगा। इट हैज़ इट्स ओरिजिन इन स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट सेट अप इन 1941 टू प्रोब ब्राइबरी एंड करप्शन वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान, सेटअप कब किया गया, एक रेजोल्यूशन से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा सेटअप किया गया था संथानन कमेटी के रिकमेंडेशन पर, ठीक, लेकिन आता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर। फंक्शन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवांसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ईडी का क्या रूल क्या पूछना चाह रहे हैं आप बताएं, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पा रही हूं कृष्ण। ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है आप क्या पूछ रहे हैं, उसका क्या रोल होता है जो जांच करती है, रोल या रूल? बेसिकली जो ईडी है वो आपका जो पीएमएलए एक्ट है, यानी आपका जो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड जो एक्ट है बेसिकली, उससे रिलेटेड काम करती है ईडी। जो भी लोग मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह में आपके इन्वॉल्व होते हैं, उनकी संपत्ति को कैप्चर करना, उनके जो भी पैसे हैं, उनकी जो एसेट्स हैं उनको कैप्चर करना, उसके अंतर्गत काम करता है आपका एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ठीक, ये भी हमारे यहाँ की एक जांच एजेंसी ही है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द केदारनाथ टेम्पल, इट वॉज बिल्ट इन द 8th सेंचुरी AD बाय आदि शंकराचार्य एंड इज वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग इन इंडिया। The temple is closed during winter since during the winter season the deity is brought down to the village called Ukhimat. ठीक, यानी जो केदारनाथ टेम्पल है क्या इसे 8वीं शताब्दी AD में बनाया गया था आदि शंकराचार्य के द्वारा, और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है इंडिया के। दूसरी बात, ये टेम्पल बंद रहता है सर्दियों में, विंटर सीजन में इनके जो भगवान हैं उन्हें नीचे की तरफ ले आते हैं एक विलेज में जिसका नाम है उखी मठ। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है, ठीक है, इनकरेक्ट आपको बताना है, गलत क्या है इसमें।
वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू या डी नन? चलिए, केदारनाथ टेम्पल अभी हाल ही में न्यूज़ में था. न्यूज़ में रहने के पीछे ये कारण है कि वहाँ का एक्चुअली जो आपका दरवाजे के ऊपर जो कवर है वो सिल्वर का है, अब उसको गोल्ड के करने की बात कही जा रही है. तो कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं इस बात को लेकर के ये चर्चाओं में था. हमें इनकरेक्ट बताना है, इस टेम्पल को 8th century AD में बिल्ड कराया गया था आदि शंकराचार्य के द्वारा और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है. ये टेम्पल क्लोज रहता है सर्दियों में और हम अपने जो भगवान हैं उनको लेकर के नीचे आ जाते हैं एक विलेज में जिसका नाम है उखी मठ. चलो आपको बताना है इसमें गलत क्या है. 13वें का आंसर, 13 का डी कह रहे हैं, कुछ लोग ए कह रहे हैं. इनकरेक्ट हमें बताना है इसमें क्या है, गलत क्या है. दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं इसलिए आंसर होगा डी नन. दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं, बिल्कुल गलत नहीं है. इसका निर्माण, केदारनाथ टेम्पल का निर्माण 8th century AD में आदि शंकराचार्य के द्वारा कराया गया था और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है. पहली बात, टेम्पल ठंड में बंद रहता है सबको पता है, लेकिन उस दौरान भगवान को नीचे ले आते हैं. एक विलेज है जिसका नाम है उखी मठ, वहाँ पर ला करके डाइटी को रख दिया जाता है. जैसे ही समर्स आती हैं वापस उसको वहाँ पर लेकर चले जाते हैं. तो डी इज दी एब्सोल्युटली राइट आंसर. जिन लोगों ने भी ए बी या सी कहा है आप लोगों का गलत है. ठीक है, चलिए. न्यूज़ में क्यों था मैंने बता दिया, बिकॉज यहाँ का अभी रिसेंटली अपोज किया जा रहा है. गोल्ड प्लेटिंग को चेंज कर बना रहे हैं, आपकी सिल्वर से गोल्ड को बनाने की बात कर रहे हैं. पहले सिल्वर थी अब गोल्ड करने की बात हो रही है, इसलिए ये न्यूज़ में था. ठीक, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर. एंड दैट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर. दो स्टेटमेंट दिए गए हैं. इंडिया होस्ट करेगा 9th सेशन ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ द इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट्स जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर. ये जो ITPGRFA है ये एक लीगली बाइंडिंग कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट है जिसे नवंबर 2001 में बेल्जियम में अडॉप्ट किया गया था. आपको बताना है करेक्ट बात क्या है इनके बारे में. दोनों ही बातें सही हैं, दोनों गलत हैं. अच्छा अभी बताती हूँ रुद्राक्षी. बेसिकली यूज़ ऑफ क्लोनिंग ऐसा है रुद्राक्षी कि जैसे अगर हम क्या कर पा रहे हैं, किसी भी स्पीशीज़ का अगर हम क्लोन बना लेते हैं, है ना. क्लोन का मतलब ये है कि सिमिलर, जैसी वो स्पीशीज़ है उसी का ही बिल्कुल सिमिलर अगर हमने क्लोन बना लिया है तो आगे उस स्पीशीज़ को कंटिन्यू रखने में एनी हाउ अगर वो एक्सटिंक्ट होती है तो हमारे लिए एटलीस्ट उसका जो क्लोन है वो बना रहता है. ये यूज़ है कि हाँ ऐसी कोई स्पीशीज़ हमारे यहाँ मिलती थी अगर हम उसका क्लोन बनाने में पॉसिबल हो जाते हैं, बिल्कुल वैसा ही फीचर बनाने में अगर हम कामयाब हो जाते हैं तो अगर फ्यूचर में वो आपकी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट भी हो जाती है तो भी हमें एटलीस्ट उसके क्लोन से ये पता चलता रहता है कि कैसा जेनेटिक उसका फॉर्मेशन था, कैसी आँखें थी, कैसे बाल थे, कैसा स्ट्रक्चर था, जिससे हम ये गैस कर सकें कि अच्छा इस टाइप की कोई स्पीशीज़ हमारे यहाँ मिलती थी. ये एक फ़ायदा है आपका क्लोन बनाने का सबसे ज़्यादा. दूसरा, जैसा डॉली आपका क्लोन बनाया गया था जो कि एक शीप का क्लोन है, उसमें फ़ायदा ये है कि शीप आपकी वूल बनाने के लिए यूज़ की जाती है. अगर हमने क्लोन से कोई एक ऐसी स्पीशीज़ बना ली है और उसका जो आप कह सकते हैं हम उससे ऊन या फिर कुछ चीज़ प्राप्त कर पा रहे हैं तो हमारे लिए और इजी हो जाता है कि हम उससे ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है किसी भी एनिमल से वो प्राप्त कर सकते हैं. तो दो तीन फायदे होते हैं, इसीलिए साइंटिस्ट जो हैं वो आपकी क्लोनिंग पे काम करते हैं. ठीक, ह्यूमन का क्लोन बनाने की भी जैसे कोशिश की जा रही है, बहुत कोशिश की जा रही है आपकी क्लोन बनाने की. तो जस्ट लाइक रोबोट्स वगैरह का भी जैसे डुप्लीकेट, बिल्कुल इट्स डुप्लीकेट. डुप्लीकेट बनाने का फ़ायदा ये है कि भाई आप जहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं वहाँ आपका डुप्लीकेट पहुँच गया तो वर्क आपका काफ़ी ईजी हो जाता है. चलिए क्वेश्चन नंबर 14, आई होप आई हैव क्लियर टू यू. मैंने आपको ठीक से समझा पाई हूँ रुद्राक्षी, अगर नहीं तो दोबारा बताइएगा. क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या है? इट्स ए. बेसिकली इसका बेल्जियम में नहीं हुआ था, ये रोम में अडॉप्ट किया गया था.
रोम इटली के अंदर इसको अडॉप्ट किया गया था 2001 में, और भारत क्योंकि इसके 9th सेशन को होस्ट करेगा इसीलिए इसके लिए हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इंडिया होस्ट करेगा 9th सेशन ऑफ दी गवर्निंग बॉडी ऑफ दी इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, यानी फूड और एग्रीकल्चर के लिए जो भी प्लांट के जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उनको लेकर के एक ट्रीटी हुई थी और भारत उसकी 9th सेशन को हेड करने वाला है, उसकी गवर्निंग बॉडी के 9th सेशन को भारत हेड करने वाला है। ठीक है, अब इट इज़ अ लीगली बाइंडिंग, पहली इंपॉर्टेंट बात है लीगली बाइंडिंग है, कॉम्प्रिहेंशन एग्रीमेंट है, अडॉप्ट हुआ था नवंबर 2001 में, कहाँ पे, रोम में। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है, बाकी हमारे लिए कोई और इम्पॉर्टेंट बात नहीं है, लीगली बाइंडिंग है, अडॉप्ट हुआ था रोम में 2001 में, 31st सेशन इसका होगा, जब हुआ था फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का उसी दौरान इसको अडॉप्ट किया गया था, 149 कंट्रीज़ ने इस पर अपने सिग्नेचर कर दिए थे तब ये आपके फॉर्म में आ गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, एंड क्वेश्चन नंबर 15 इज अगेन अ फैक्चुअल क्वेश्चन, बिल्कुल रोम में हुआ था, एकदम सही है प्रिया। डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर यानी DDRC, डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर आपका इनिशिएटिव है किस यूनियन मिनिस्ट्री का, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ABCD, किसका इनिशिएटिव है आपका डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर, DDRC इज द इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। चलिए बताइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर फटाफट। ओके, अलीशा कह रही है ए, राजू भी कह रहे हैं ए, तनु ए ए ए, सब एक दूसरे का देख करके तो ए नहीं कह रहे, ममता भी कह रही हैं ए, संजीव भी कह रहे हैं ए, बिल्कुल ठीक है। ओके रुद्राक्षी, सारे लोग जब ए कह रहे हैं तो मैं भी कह रही हूँ ए, इट्स एब्सोल्युटली राइट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का है, डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर, डिस्ट्रिक्ट्स में आपके बनाए जाएंगे जो भी डिसेबल्स पर्सन्स हैं उनके रिहैबिलिटेशन के लिए बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो यूनियन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर ने ये कहा है, वर्चुअली इनॉग्रेट किया है 9 मॉडल डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर विच हैड बीन अपग्रेडिंग टू मॉडल DDRCs, उन्हें मॉडल DDRCs में अपग्रेड कर दिया गया है, ये बनाए जा रहे हैं, बनाए गए हैं आपके डिस्ट्रिक्ट में डिसेबल पर्सन्स के रखने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए, उनके रिहैबिलिटेशन के लिए। ठीक है, चलिए आज के लिए आपके क्वेश्चंस यहीं पे ख़त्म होते हैं, एक्सप्लेनेशन सारा यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप यू ऑल हैव इन्जॉयड दिस सेशन, आप लोगों को पसंद आया होगा, इफ़ येस सो डोंट फॉरगेट टू लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए, और डिस्क्रिप्शन में या चैट बॉक्स में जो आपका टेलीग्राम का ग्रुप है उसे भी ज्वाइन करना मत भूलिए, क्योंकि इसका PDF आपको वहीं मिलेगा जो फर्दर रिविजन के लिए काम आएगा। अगेन हमारी नेक्स्ट क्लास जब होगी तब हम बात करेंगे। चलिए आज राजू आपका स्कोर कुछ कम रह गया, कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कई बार हम नहीं देख पाते हैं, बट नेक्स्ट टाइम के लिए ध्यान रखिएगा। चलिए सबको थैंक यू सो मच, जाते जाते सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। रुद्राक्षी ऐसा होगा बेसिकली, बिल्कुल ऐसा है कि एनिमल सेफ्टी के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन हम बहुत सारी रिसर्च जो करते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जो हम करते हैं वो इंडस्ट्री के वेलफेयर या इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए करते हैं, दो इट इट्स नॉट गुड फॉर दी एनिमल्स, एनिमल्स के लिए वो अच्छा नहीं है। तो क्लोनिंग को लेकर के भी एक इथिकल इशू, इथिकल आपका जो बात है या इथिकल जो विरोध है वो हमेशा चलता रहता है रुद्राक्षी,
है, ठीक है, तो बिल्कुल है कि एनिमल सेफ्टी के अगेंस्ट है, ठीक, इट इज़ अगेंस्ट द एनिमल सेफ्टी, ठीक रुद्राक्षी, मैंने इसको आंसर भी कर दिया है. नेक्स्ट सेशन जब हमारा होगा तब देखेंगे कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच. ओके साहिबा, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच.